शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज नवी मुंबई के दर्जनों सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों में भेंट दिया और सुखकर्ता श्री गणेश के दर्शन का लाभ लिया। गणपति दर्शन के अपने दौरे में उपनेता विजय नाहटा ने समीर बागवान और बाबाजी इंदौरे समेत कई शिवसेना पदाधिकारियों के आवास में विराजे मंगल मूर्ति श्री गणेश के भी दर्शन किए और नवी मुंबईकरों के मंगल की प्रार्थना की। देखिए झलकियां। गणेशोत्सव के नवे दिन शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने नवी मुंबई के दर्जनों सार्वजनिक गणेश मंडलों में भेंट दिया और मंगल मूर्ति श्री गणेश के दर्शन किए। उपनेता विजय नाहटा ने श्री गणेश के दर्शन की शुरुआत सानपाड़ा से की और समापन बेलापुर में। उन्होंने तुरभे में अंकुश वैती द्वारा आयोजित शिवछाया मित्र मंडल के गणेशोत्सव मंडल में भेंट दिया, जहां अयोध्या के तर्ज पर श्री रामलला के मंदिर की प्रतिकृति उभारी गई है। यहां गणपति बप्पा के दर्शन के बाद उपनेता विजय नाहटा ने वासी सेक्टर 17 में आयोजित बीजेपी नेता संपत सेवाले के गणेशोत्सव मंडल में भी हिस्सा लिया और नौशाला पावनारा श्री गणेश के दर्शन किए। उपनेता विजय नाहटा का कारवां सानपाड़ा में शिवसेना विभाग प्रमुख बाबाजी इंदौरे के निवास पर भी पहुंचा और विघ्नहर्ता के दर्शन किए। उन्होंने सेक्टर 7 में अजय पवार द्वारा आयोजित सानपाड़ा का राजा गणेशोत्सव और सानपाड़ा सेक्टर 10 में रोहित जगताप के गणेश मंडल में भी भेंट दिया। इसके बाद विजय नाहटा ने सानपाड़ा सेक्टर 4 में ही आयोजित सुरेश कदम के जय भवानी मित्र मंडल गणपति के भी दर्शन किए। गणेश दर्शन का अगला पड़ाव सुमित्र कड़ू के करावे गांव का महाराजा गणपति मंडल रहा, जहां उपनेता विजय नाहटा ने पदाधिकारियों के साथ भगवान श्री गणेश के दर्शन का लाभ लिया। उन्होंने यहां मिलिंद भोईर के निवास पर भी गणपति बप्पा के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व नगर सेवक समीर बागवान द्वारा आयोजित सीउड का राजा गणपति के यहाँ फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धा समर्पित की। यहाँ उपनेता विजय नाहटा का पदाधिकारियों द्वारा सत्कार किया गया। विजय नाहटा ने दारावे में महावीर जैन के यहाँ गणपति दर्शन किया और नेरुल पूर्व सिरौने में शिवसेना विभाग प्रमुख मंगेश कावड़े के नेतृत्व में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज मित्र मंडल के गणेशोत्सव में भी हिस्सा लिया। उन्होंने नेरुल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष सेट्टी के गणपति मंडल में भी भेंट दिया और चांदी से बने गणपति बप्पा के चरणों में फूल चढ़ाकर उनके दर्शन का लाभ लिया। विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उपनेता विजय नाहटा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नवी मुंबईतल्या तुर्भे असेल, बेलापूर असेल, ऐरोली, त्याच्यानंतर नेरूळ, सानपाडा, जुईनगर सर्वच ठिकाणी गणेशोत्सव मंडळ सर्व मंडळांना भेट देण्याची संधी मिळाली। नव्या मुंबईमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने, खूप उत्साहामध्ये आणि खूप धार्मिक पद्धतीनं हा गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे। सर्व गणेश भक्तांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि असंच धार्मिक वातावरण, असेच आपले धार्मिक संस्कार भावी पिढीमध्ये देखील परावर्तित होतील याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही। गणरायाच्या चरणी हीच प्रार्थना करतो की नवी मुंबईतली सगळी जी तमाम जनता आहे ती आनंदात राहो, त्यांची प्रगती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।